नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी लॉ में एक बार फिर से इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है और यह बदलाव बहुत हद तक टैक्स पेयर्स को काफी परेशान करने वाला है। जी हाँ, एक बार फिर ऐसा कुछ होगा कि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नोटिफिकेशन 49/2019 ऑफ सेंट्रल टैक्स इशू की गई है और इस नोटिफिकेशन के जरिए यह बदलाव क्या है वह बताया गया है। लेकिन डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 49 में कहा गया, In the said rules, in rule 36, after sub rule 3, the following sub rule shall be inserted. Rule 36 sub rule 3 के बाद एक और sub rule add किया गया है, sub rule 4. इसमें कहा गया, input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37, shall not exceed 20% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37. इसमें कहा गया कि उन invoices के regarding जो input tax है, वो invoices जो supplier के द्वारा upload नहीं किए गए हैं, That means आपके GSTR 2A में reflect नहीं हो रहे हैं, उन invoices के regarding जो input tax credit है, वो credit आपको अब नहीं दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर कहा गया कि जितना आपके पास eligible input tax credit होता है, उसका maximum 20% तक input tax credit हम आपको दे देंगे उन invoices के regarding जो आपके GSTR 2A में reflect नहीं हो रहे हैं। एक plain reading से इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए पहले हम एक example समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने अपनी inward supplies पर जो total GST pay किया है वह 2 लाख रुपए है और उस 2 लाख रुपए में से कुछ input tax credit block credits के तहत ineligible है। मान लीजिए वह अमाउंट 20,000 रुपए है, तो इस तरह यहां पर आपका टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाता है 1,80,000 रुपए। अब इस 1,80,000 रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट में से 1,40,000 रुपए का आईटीसी वह आईटीसी है जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन 40,000 रुपए का आईटीसी ऐसा आईटीसी है जो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। यहां पर इस रूल के जरिए यह कहा जा रहा है कि आपको मैक्सिमम 20% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट जो कि आपका जीएसटीआर 2A के तहत रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस एलिजिबल क्रेडिट का 20% तक मैक्सिमम हम आपको क्रेडिट दे देंगे उन इनवॉइसेस के रिगार्डिंग जो आपके जीएसटीआर 2A पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर 40,000 रुपए का क्रेडिट जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और 1,40,000 रुपए का क्रेडिट जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसका 20% होता है 28,000 रुपीज। तो यहां पर कहा गया कि 40,000 रुपए का क्रेडिट जो आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हम आपको मैक्सिमम 28,000 रुपीज तक का क्रेडिट अलाउ करेंगे। यहां पर इस तरह आपको 1,40,000 जो आपका जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लस 28,000 रुपीज जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग आपको दिए जाएंगे। टोटल आईटीसी इस तरह आपको 1,68,000 रुपए का दिया जाएगा। यहां पर 12,000 रुपए का आईटीसी आपको नहीं दिया जा रहा है, वह आपको जब जीएसटीआर 2A से मैच हो जाएगा तब दिया जाएगा। अब अगर हम एक बार फिर से इस रूल की रीडिंग करते हैं तो शायद हमें कुछ समझ में आ सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट
टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। तो यहां पर उन 40,000 रुपए की बात की जा रही है जो आईटीसी आपका जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, जिनको कि सप्लायर ने अपनी रिटर्न्स में सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के तहत फाइल नहीं किया है। उसके रिगार्डिंग कहा गया शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। तो यहां पर कहा गया कि जो आपके जीएसटीआर 2A में जो आपका एलिजिबल क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका मैक्सिमम 20% तक का क्रेडिट हम आपको अलाउ कर देंगे उन इनवॉइसेस के रिगार्डिंग जो जीएसटीआर 2A पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आई होप यह रूल जो इंसर्ट किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां पर आपको चाहिए कि आप उन्हीं सप्लायर से सप्लाई लें जो टाइम पर अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं, अदरवाइज आपको अपनी जेब से अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना होगा अगर आपके जीएसटीआर 2A से आईटीसी मैच नहीं होता है। एक बार एग्जाम्पल हम फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए आपने जितने भी परचेज की है, जितने भी सप्लाई आपने रिसीव की है, उसके रिगार्डिंग आपने 2,00,000 रुपए का जीएसटी पे किया है और उस 2,00,000 रुपए के जीएसटी में से 20,000 रुपए का जीएसटी इनपुट ऐसा इनपुट है जो ब्लॉक क्रेडिट के तहत इनएलिजिबल है। तो यहां पर आपका एलिजिबल आईटीसी जो है वो 1,80,000 रुपए है, लेकिन इस 1,80,000 रुपए में से जो आपका जीएसटीआर 2A से मैच होता है वह 1,40,000 रुपए है, बाकी का 40,000 रुपए आपका जीएसटीआर 2A से मैच नहीं होता है। तो ऐसे में यहां पर कहा गया कि जितना भी एलिजिबल आईटीसी है जो आपका जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका मैक्सिमम 20% तक हम आपको अलाउ करेंगे। तो यहां पर 28,000 रुपए तक का मैक्सिमम क्रेडिट दिया जाएगा आपको उन इनवॉइसेस के रिगार्डिंग जो आपके जीएसटीआर 2A पर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह यहां पर आपका टोटल आईटीसी आता है 1,40,000 जो आपका जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है और 28,000 उन इनवॉइसेस के रिगार्डिंग जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर 1,68,000 रुपए का टोटल आईटीसी आपको दिया जाएगा और 12,000 रुपए का आईटीसी ऐसा आईटीसी होगा जो आपको जीएसटीआर 2A से मैच होने के बाद ही दिया जाएगा, और अगर वह जीएसटीआर 2A से मैच नहीं हो पाता है तो ऐसे में वह आईटीसी आपका लैप्स हो जाएगा, उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं जो यह नया रूल इंसर्ट किया जा रहा है यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करें कि अपने सप्लायर से जिनसे भी आप सप्लाई लेते हैं उनसे टाइम पर रिटर्न फाइल कराएं सो दैट कि आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो जाए। अदरवाइज आपको अपनी जेब से अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ सकता है। इवन आपके पास आईटीसी अवेलेबल है लेकिन उसके बावजूद भी आप उस आईटीसी को यूज नहीं कर पाएंगे। इस रूल के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।